कोतवाली थाना क्षेत्र में एसएसपी कार्यालय परिसर की ऐसी घटना सामने आई जहां विधायक इरफान सोलंकी के गनर ने पीड़ित महिला को धक्का दिया। विधायक वहां पर खड़े देखते रहे लेकिन महिला भी कुछ कम ना निकली। महिला ने भी गनर को जोरदार तमाचा मारा। महिला विधायक से मांगती रही मदद पर मदद, पर वहां उसको सिर्फ और सिर्फ धक्के मिले। एसएसपी दफ्तर के बाहर का एक ऐसा मामला जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। विधायक के गार्ड ने महिला से बदसलूकी की। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गनर ने पीड़ित महिला को धक्का भी दिया। विधायक से शिकायत कर रही महिला से अभद्रता भी की। विधायक देखते रहे और गाड़ी में बैठे रहे। छोड़ के चले जा रहे, क्यों आते, क्यों पटवारी? हमें इंसाफ चाहिए, भारत की बेटी को इंसाफ दो, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भारत की बेटी को इंसाफ दो, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ इंसाफ मिला की बेटे ने मारा पीटा है। हम सब उनके मदद मांगने गए थे, मेरे हम बीमार है, मेरे इलाज के पैसा दे देगा। हमें इंसाफ मिला के बेटे को, वो इशाद मिला के बेटे को, उसको गिरफ्तार चाहिए, उसकी गिरफ्तारी चाहिए, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। हम तो देखे गए सब जाने, आप लोग बाहर पाएंगे क्या जाके पाएंगे? बहुत आप प्राउडी हैं, आपके बाप बहुत अच्छे थे, आपके पिता पे कलम का धब्बा है। देखिए क्या हो रहा है, ऐसा है पत्रकार बंधु, आप हमारे भाई हो, आप सब कानपुर से हो। ये सामने पत्रकार महोदय खड़े हैं और ये मौजूद थे। मैं कप्तान साहब के वहाँ गया था एक दूसरी शिकायत लेके, तो कप्तान साहब मौजूद नहीं थे। फिर मैंने ये पत्रकार महोदय जो न्यूज़ उत्तर प्रदेश A3 के हैं, मैंने इनको कल के बताया कि हमारे अखिलेश राष्ट्रीय नेताजी का जन्मदिन है, उसके लिए मैंने इनको दावत दी। हमने कल प्रोग्राम है, आप उसमें शिरकत हो। उन्होंने मैं अपनी गाड़ी में बैठने, हो सकता है इनके पास पूरा वीडियो मौजूद हो, ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप नहीं दिखाना चाहते हो। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, मैं जाने लगा तो वो महिला आई मेरे पास। उस महिला ने हमसे इरशाद मिर्जा साहब के लिए कहा कि इरशाद मिर्जा के लड़के ने मुझे मारा और उसको आप पकड़िए। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं किसी को पकड़ नहीं सकता। मैंने उससे ये कहा कप्तान साहब नहीं है, बहन तुम बाद में आना कहाँ। और वो नारे लगाने लगे, मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। ये इस बंदे के पास रिकॉर्ड है, आप पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, बात सुनते रहे, बदतमीजी करने। अब मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर घुसती जा रही वीडियो। अब अगर आप सच में इंसान है तो ज़रूर वीडियो दीजिएगा। मेरी गाड़ी में पैर रख के खड़ी हो गई महिला है, खुदा ना खास्ता आप पीछे खड़े हो, वो अपने कपड़े फाले, आपसे ये कहे कि विधायक जी ने मेरे कपड़े फाल लिए, विधायक जी ने मेरे कपड़े, तो आप ये तो कहोगे विधायक जी ने भाई, तो वो गनर मेरी सुरक्षा के लिए है, वो तो महिला है, उसको तीन और वहाँ मेरे लिए, मेरे पिताजी के लिए अपशब्द बोल रही है, तो कौन सुनेगा? तो उसको सुन ले मेरी बात मेरे भाई, तो जब जवाब, तो उसने मेरे गनर ने उसको हटाया, वो तो चलो ठीक है महिला है। आप कह रहे हो मुस्लिम, जैसे हमारे ये भाई ने कहा मुस्लिम समाज, बात अपमान मुस्लिम समाज और हिंदू समाज से नहीं होता। बात यह है कि आपकी किसी को अधिकार नहीं बेइज्जती करने का, अब वो आके उल्टा सीधा बोल रही तो मेरे गनर ने उसको हटाया। और अगर आप पूरा वीडियो देखिए तो मैंने तो उसको नाखून भी नहीं छुआया होगा। मैं बहन बहन कहता ना, मेरी बहन जाओ, हमसे मतलब नहीं है। अब हर आदमी का इलाज तो पागलपन नहीं है भैया। भाई सवाल ये नहीं है कि आपने बच्चों को, आपका गनर कर रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। बिल्कुल है, पर मेरा गनर मेरे लिए हिफाजत के लिए है। आज कप्तान साहब के साथ, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ गनर चलते हैं। जब आंदोलन होता है, कोई आदमी कूदता तो योगी जी नहीं भगाते, उसके गनर उनको भगाते हैं। और वही वीडियो आप दिखाते हैं, क्या योगी जी आके भगाएंगे? अभी हम महिला का हाथ पकड़ के भगाते तो आप कहते देखो विधायक ने भगाया, तो फिर चित भी मेरी, पत भी मेरी, तैया मेरे बाप की। ये हाँ, और मैंने बराबर सुन ले, मैंने इनके रिकॉर्ड होगा, मैंने कहा इनके सामने, उस वहाँ जो पुलिस वाले मौजूद थे, मैंने कहा महिला सिपाही को बुलाओ और इसको हटाओ। अब कसम है तुम्हें तुम्हारी माता जी की, वीडियो जरूर दिखाना। मैंने इनसे कहा कि पुलिस कर्म महिला कर्मचारी को बुलाओ और इसको महिला को हटाओ। जब वो आपे से बाहर और मेरे ऊपर लपकने लग गई, तो उस समय जो ऑप्शन नहीं था वो यही था कि मेरे गनर ने उसको हटाया। मैंने 10 बार, और यही नहीं, कप्तान साहब का पूरा जो कैंपस है वो CCTV कैमरे से लैस है। आप जाइए वहाँ से क्लिपिंग लीजिए ना।